अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपके सामने मैं वीडियो के लिए प्ले करता हूँ जिसमें आप देखोगे एक बंदे ने कानों में ईयरफोन लगाया था जो ब्लूटूथ वाला है, वायरलेस ब्लूटूथ वाला। तो वो उसको अचानक कॉल आ गई और वो ईयरफोन फट गया। जब वो ईयरफोन फट गया तो उसके मतलब जो हार्ट बीट्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए है और उसके बाद ये अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। और उसी बेहोशी के कारण उसको मतलब फिर डॉक्टर के पास लेना पड़ा और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि जो भी अनकॉन्शियस हो गया है उसके बाद इसके जो हार्ट बीट्स है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से इसका हार्ट अटैक आ गया और ये मर गया। अब जहाँ पर आपके सामने मैं वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ और देखते हैं ये डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। प्रकाश सिद्धिविनायक गांव के निवासी थे। ईयरफोन फटने की घटना होने से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के आपातकालीन इकाई में आए, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में संभवतः मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होता है और मुझे लगता है भारत में ईयरफोन फटने से मृत्यु होने का एक पहला मामला है। तो यही था वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया डॉक्टर साहब ने क्या बताया। हालांकि ये वीडियो के लिए थोड़ी साफ़ नहीं थी, उसके लिए सॉरी। तो बस यही बोल रहा था जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया। अगर आप यूज़ करते हो एयरफोन्स और ब्लूटूथ वाले एयरफोन्स, प्लीज़ केयरफुली यूज़ किया करो, कम टाइम यूज़ किया करो और वॉल्यूम भी कम रखा करो। तो ये डॉक्टर इसमें ये भी बता रहा था कि जो हार्ट अटैक का कारण है वो एयरफोन भी है। तो होप आप इसका जो पालन है वो कम करोगे। तो हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।